जी हाँ, बिग बॉस 13 इन दिनों काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। वेल, जहाँ एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, तो बारी आती है घर के एविक्शन की। जी हाँ, ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ हर बार वीकेंड के वार में एक ना एक सदस्य घर से बेघर होता है। तो आप सभी को बताते चले कि बिग बॉस के प्रोमो वीडियो में अब की बार जो सदस्य घर से बेघर होने वाला है, या जो कहीं घर से बेघर हो चुका है, उसका नाम सामने आ रहा है हिमांशी खुराना के तौर पर। जी हाँ, इस बार बिग बॉस के घर से बेघर होने वाली कंटेस्टेंट के तौर पर हिमांशी खुराना का नाम सामने आ रहा है। साथ ही आपको बता दें, उन्हें कम वोट मिलने के कारण घर से बेघर किया जा सकता है। ये तो आज के एपिसोड से ही पता चलेगा कि किस तरह से कौन घर से बेघर होगा। लेकिन आपको बता दें कि जब से बिग बॉस के प्रोमो वीडियो में ये दिखाया गया है कि हिमांशी घर से बेघर हो सकती हैं, तब से हिमांशी के जहां कुछ फैंस भड़क रहे हैं, तो कुछ फैंस काफी ज्यादा राहत में भी हैं। जी हां, कुछ लोगों का कहना है कि अच्छा हुआ हिमांशी शो से चले गए, क्योंकि उनका शो के अंदर कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हिमांशी के जाने से काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। वेल, आपको अभी उन फैंस के मैसेज भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से फैंस क्या कहते हैं। आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर और एक्ट्रेस हिमांशी ने सिर्फ एक महीने पहले ही घर में वालकार एंट्री के तौर पर एंट्री ली थी। वेल, अगर उनका सफ़र अब ख़त्म हो जाता है तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छी जर्नी रहेगी, क्योंकि एक महीने घर के अंदर बिताना कोई छोटी बात नहीं होती। वेल, देखा जाए कि हिमांशी ज़्यादातर चुप ही रहती थी, लेकिन हिमांशी ने असली लाइमलाइट बटोरी अपनी रिंग और एंगेजमेंट वाले टॉपिक से। जी हाँ, वेल, ये तो आप सभी को पता है कि हिमांशी फर्स्ट डे से ही कहती दिख रही थी कि मैं एंगेज्ड हूँ। जहाँ असीम के प्रपोजल का हर बात में वो ये आंसर करती थी कि मैं एंगेज्ड हूँ, मेरी सगाई हो चुकी है, साथ ही हर बात पर अपनी सगाई की अंगूठी भी दिखाती थी। तो वहीं कुछ दिनों बाद हमें इसके अपोजिट ही हिमांशी का रूप देखने को मिला, वो भी असीम के साथ उनके प्यार में पड़कर असीम को आई लव यू तक भी कह दिया था। जी हाँ, इन दोनों की नज़दीकियाँ फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। कुछ फैंस है जो इनका मजाक उड़ाते हैं, जो इनको ट्रोल करते हैं, लेकिन वहीं कुछ तादाद में फ़ैन ऐसे भी हैं जो इनकी केमिस्ट्री बॉन्डिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। वेल, ये तो हिमांशी का पर्सनल ओपिनियन है कि वो इंगेज्ड होने के बाद भी असीम के साथ रिश्ता बना रही हैं, उनकी क्लोज आ रही हैं। वेल, ये तो हिमांशी का पर्सनल ओपिनियन है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हिमांशी के फैन उनके फेवर में या उनके अगेंस्ट उनके लिए बातें कहते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें, विभा लिखती हैं कि शी इज सो पीसफुल एंड काम, शी ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन माई फेस, कलर्स टीवी, हैशटैग ब्रिंग बैक हिमांशी, बाइस्ड बिग बॉस 13, बायकॉट बिग बॉस 13। जी हाँ, इसके बाद हेड पैकर कहते हैं, डोंट यू गाइस वांट हर बैक, लेट डू इट, यूज द बिलो हैशटैग एज मच एज यू कैन, लेट्स ट्रेंड इट, हैशटैग ब्रिंग बैक हिमांशी, यूज दिस हैशटैग, टैग बिग बॉस, कलर्स टीवी, अलोंग विद द हैशटैग गाइस वी नीड पीपल लाइक हिमांशी खुराना इन द हाउस। इसके बाद एक फन और लिखते हैं कि टैग बिग बॉस 13 ऑफिशियल एंड कलर्स टीवी विद हैशटैग ब्रिंग बैक हिमांशी टू टेल देम वी आर नॉट हैप्पी विद व्हाट दे आर गोइंग और डूइंग फॉर टीआरपी। उसके बाद रूप कौर कहती हैं, हैशटैग ब्रिंग बैक हिमांशी, आई एम अनस्टॉलिंग वूट ऐप, वी लव यू हिमांशी खुराना। मानसी कहती हैं, टैग बिग बॉस 13 एंड कलर्स टीवी विद हैशटैग ब्रिंग बैक हिमांशी टू टेल देम वी आर नॉट हैप्पी व्हाट दे आर डूइंग फॉर द टीआरपी। जी हाँ, प्रिया नाम की फैन लिखती हैं कि डन विद बिग बॉस, वी वांट असीम अंशी, हैशटैग ब्रिंग बैक हिमांशी, ओनली ट्रायो वर्थ वॉचिंग इन द होल शो। जी हाँ, तो आपने देखा कि किस तरह से फैंस हिमांशी के फेवर में अब ट्रेंड भी चला रहे हैं, जो कि है हैशटैग ब्रिंग बैक हिमांशी। जी हाँ, किस तरह से इससे ये पता चलता है कि जहाँ कुछ तादाद में या कुछ आबादी के फैंस हिमांशी को पसंद नहीं करते, तो वहीं
फैंस का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा हिमांशी को बेहद पसंद करता है। जी हाँ, कुछ फैन ने तो ये तक कह डाला कि वो बिग बॉस ही नहीं देखेंगे अगर हिमांशी नहीं दिखी तो। वेल, ये तो हमें आज के वीकेंड के वॉर में वेट करना होगा कि घर से कौन बेघर होता है या नहीं। वेल, जिस तरह से खबरें आई हैं और जिस तरह से बिग बॉस के प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है, उससे तो यही लगता है कि हिमांशी का अब घर में सफर खत्म होने वाला है। वेल, आपका क्या कहना है हिमांशी के उस खबर को लेकर, हिमांशी के एविक्शन को लेकर? प्लीज अपनी अपनी राय कमेंट सेशन में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। नेक्स्ट टू 9 लाइव डेस्क से इंदु की रिपोर्ट।